प्रजाचान आधार सभ्य कुमार कानाणीए मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने पत्र लख्यो टेक्सटाइल पॉलिसी नी जेम डायमंड पॉलिसी बनावानी मांग करी। कुमार कानाणीए पत्र में लख्यु के नवी टेक्सटाइल पॉलिसी जाहिर करवा बदल अभिनंदन साथे डायमंड उद्योग माटे पण पॉलिसी जाहिर करवामां आवे। टेक्सटाइल नी नवी पॉलिसी थी राज्य में कापड़ उद्योग ने वेग मळशे अने आ क्षेत्र में प्रत्यक्ष अने परोक्ष रीते नवी रोजगारी नुं सर्जन थशे, नवा रोकाणो पण आवशे। परंतु छेल्ला केटलाय समयथी डायमंड उद्योग मंदीना कारणे खूब ज कपरा समयनो सामनो करी रह्यो छे। टेक्सटाइल उद्योग पछी गुजरात में रोजगारी आपतो उद्योग एटले के डायमंड उद्योग छे। हाल में मंदीना कारणे घणा युनिटो ने बंद करवानी नौबत आवी छे, जेना कारणे हीरा उद्योग में कारीगरों ने छूटा करी देवानुं प्रमाण घणुं वधी गयुं छे, जेथी रत्न कलाकारो बेकारी ने कारणे हाल खूब ज मुश्किली में समय पसार करी रह्या छे। तेओना बाळकोना स्कूलनी फी अने पोताना कुटुंबना भरण पोषण न करी शकवाने कारणे आत्महत्याना किस्साओनुं प्रमाण वधतुं जाय छे। त्यारे डायमंड उद्योग ने मंदीमांथी बहार लावा माटे जेवी रीते टेक्सटाइल उद्योगना विकास माटे गुजरात सरकार द्वारा नवी पॉलिसी जाहिर करवामां आवी छे, तेवी ज रीते डायमंड उद्योग माटे पण पॉलिसी जाहिर करवामां आवे तेवी तेमणे मांग करी छे। દુનિયાના દેશોમાં યુદ્ધ ચાલી રહ્યા છે, જેના કારણે હીરા ઉદ્યોગની પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ થઈ રહી છે, ખૂબ જ ભયંકર મંદી ચાલી રહી છે, જેના કારણે નાના કારખાનેદારો અને રત્ન કલાકારો ખૂબ જ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે, ઘર ચલાવવું પડે પણ ફાફા પડે એવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે। આવા સમયમાં રત્ન કલાકારો અને નાના કારખાનેદારો મધ્યમ લોકો આપઘાત કરી રહ્યા છે, તો એમને બચાવવા જોઈએ અને એમને રાહત થાય એના માટે સરકારે કંઈક વિચારવું જોઈએ, એના માટે કંઈક નવી પોલિસી અથવા તો પેકેજ જે કંઈક થતું હોય એ સરકારે કરવું જોઈએ એવી મારી માગણી।